कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू से आमजन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासकर छोटे व्यवसायियों, दुकानदारों और मजदूरों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सरकार इन वर्गों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को शिमला में सीपीएम ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को शिमला में सीपीएम द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सीपीएम नेता संजय चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार श्रम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। संजय चौहान ने कहा कि सरकार को पीडीएस प्रणाली के तहत अगले 6 माह तक प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज निशुल्क देना चाहिए, ताकि लोगों को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आने वाले लोगों के खातों में अगले 6 माह तक 7,500 रुपए डाले जाए। वहीं मनरेगा के तहत 200 दिन काम दिया जाए और शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। संजय चौहान ने कहा कि सीपीएम द्वारा जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है, यदि उन मांगों पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। खास तौर पे जो मेहनत कश वर्ग है, जिसमें मजदूर है, किसान है, और इसके अलावा जो छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार है, वो आज पूरी तरह से जो है इस लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते जो है पूरी तरह से उसके ऊपर जो है संकट खड़ा हुआ है। हमारी पार्टी बार बार मांग कर रही केंद्र सरकार से कि इस संकट से जिन लोगों का रोजी रोटी खत्म हुआ है, उसको सरकार जो है पूरी तरह से रोजी और रोटी का इंतजाम करे। परंतु पिछले 2.5 महीने से ऊपर समय आज हो गया है, केंद्र की सरकार जो है बिल्कुल भी इस मुद्दे को लेकर जो है संवेदनशील नहीं है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, करीब 12 करोड़ से ज़्यादा रोजगार जो है इस दौरान में जो है पूरी तरह से खत्म हुआ है। बड़े पैमाने पर जो शहरों में जो मजदूर था और जो अन्य लोग थे, वो जो है पलायन हुआ है गांव की ओर। और इसके अलावा जो किसान है, मध्यम वर्ग है, जिसमें छोटा दुकानदार है, रेड़ी फड़ी वाला है, उसका रोजगार पूरी तरह से चौपट है। आज उसकी ये हालत नहीं है कि वो जो है दो वक्त की रोटी भी जो है वो कर सके। इसलिए हमारी पार्टी मांग कर रही है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पर जो है जो नॉन इनकम टैक्स पे ही है इस देश के अंदर, जो इनकम टैक्स नहीं देता है, उस पर खाते में जो है अगले 6 माह तक जो है 7,500 रुपया जो है तुरंत डाला जाए, ताकि बाजार जो है चले। क्योंकि जब तक जो है लोगों की जेब में खरीदने की ताकत नहीं होगी, कोई भी बाजार जो है नहीं चल सकता है। दूसरा हमारा मांग है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज पलायन हुआ है, रोजगार समाप्त हुआ है, तो इसलिए हमारी पार्टी मांग कर रही है इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से कि आप कम से कम 10 किलो अनाज जो है प्रति व्यक्ति, वो जो है पीडीएस के माध्यम से मुफ्त में जो है दिया जाए अगले 6 महीने तक, ताकि जो लोग आज भुखमरी से मर रहे, और इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो मजदूर पलायन किया है, उसको 200 दिन का रोजगार जो है मनरेगा के तहत, और शहरी क्षेत्र में जो है ये रोजगार गारंटी योजना जो है लागू की जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा कार्य जो किया है, ये जो मोदी की सरकार जिस प्रकार से आई है, मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, परंतु जब आपने 5 दिनों तक जो हमारी वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री है, जब उन्होंने उसका पूरे तरह से विस्तार से रखा, तो कोई भी राह जो है नहीं मिली। और उल्टा जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की, उसको बेचने का काम जो है वो किया है, उसके निजीकरण का काम किया है, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि तुरंत इस दौर में जो है आप इसको बंद करें। ये जो सबसे बड़ा रोजगार जो आज भी पैदा होता था, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर था, परंतु सरकार जो इसको कर रही है। और सबसे बड़ा हमला जो वर्किंग क्लास के ऊपर, जो मजदूर वर्ग के ऊपर डाला गया, ये जो श्रम कानून